भारत की एक नई पीढ़ी हम तैयार कर पाएं जो कि शिक्षा से सक्षमता प्राप्त करे और सक्षमता से सेवा कर सके किसी भी क्षेत्र में। कुछ चुनिंदा स्कूल्स के बच्चे जो कि जिनके पास एक्सपोजर है वही होते थे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। तमिलनाडु के एक छोटे किसान परिवार की बच्ची जिसने तिरुपुर से बाहर कभी ट्रेन नहीं लिया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 3 करोड़ की स्कॉलरशिप पर अभी पढ़ रही है। ये मायने नहीं रखता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी मायने नहीं रखता कि आपके माता पिता क्या काम करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत, योग्यता और सपने ही आपके भविष्य का रास्ता तय करते हैं, ना कि आपके पारिवारिक आय और विरासत। ये सोच, ये शब्द जिनकी है, उन्हें लोग 21वीं सदी का विवेकानंद भी कहते हैं। एसयूडी लाइफ इनिशिएटिव लॉन्जिविटी में आज मेरे साथ हैं श्री शरद विवेक सागर जी। आज के इस एपिसोड में मैं सुधा चंद्रन आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 12 साल तक, जब आई थिंक वो एक ऐसी उम्र है जहाँ पर हर कोई, हर बच्चा स्कूल जाना चाहता है, लेकिन 12 साल की उम्र तक आप स्कूल नहीं गए, तो फिर पढ़ाई की तरफ, मतलब आपने पढ़ाई की शुरुआत कैसे की? मेरे पिताजी बैंक में कार्यरत थे और ग्रामीण शाखाओं में थे जी, तो इस कारण जिन जगहों पर हम रहते थे वहाँ ऐसे स्कूल नहीं थे जहाँ नित्य या नियमित पढ़ाई हो पाए, तो इस कारण माता पिता ने घर में ही पढ़ाया। हमें 3 तरह से पढ़ाते थे। पहला तरीका था, जो भी महामानव हुए भारत में उनके जो विचार थे, हर दिन सुबह उठकर हम उसे अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ते थे। अच्छा। दूसरा तरीका था, हमें समाचार पत्र रोज पढ़ना अनिवार्य था और समाचार पत्र एक दिन लेट आते थे ऐसे जगहों पर जहाँ हम रहते थे। और तीसरा तरीका था कि किताबें और कॉपी घर आती थी और हम घर पे ही खुद से पढ़ते थे और माता पिता पढ़ाते थे। 12 वर्ष की आयु में माता जी के साथ मैं पटना चला आया, तब फिर वहाँ पर विद्यालय में नामांकन हो गया, उसके बाद तो फिर नियमित रूप से स्कूल जाने लगा। तो ये होम स्कूलिंग है ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब आज की तारीख में हम तो न्यूज़पेपर्स को तो देखते भी नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो, मतलब इट्स अ फॉरगॉटन, इट्स अ लॉस्ट स्टोरी टुडे। जब देखो हम गूगल करते रहते हैं, बट जैसे आपने कहा कि एक होम स्कूलिंग का एक तरीका आपने फॉलो किया, विच इज़ सो गुड। स्वामी विवेकानंद से आप बहुत प्रेरित हुए हैं, कैन यू टेल मी दैट, वॉट इज़ द रीज़न? मतलब क्या ऐसी खास वजह की ही इंस्पायर्ड यू, ही मोटिवेटेड यू, तो क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? बिल्कुल। मैं जब छोटा था तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग महामानवों के विचार पढ़ते थे, उसमें स्वामी जी के विचार बहुत प्रमुख थे। तो स्वामी विवेकानंद के जो भी विचार थे, उनका जो जीवन था, वो हम पढ़ते थे। और बहुत छोटे उम्र से ही, लगभग 5-6 वर्ष की आयु में, मैंने जब सुना कि स्वामी जी शिकागो गए, वहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण किया, जिसके आज भी 125th एनिवर्सरी ऐसे मनाया जाता है। स्वामी जी ने भारत के लिए जो स्वप्न देखा और भारत के इतने सारे लोगों को स्वामी जी ने प्रेरित किया, तो ये देखकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। साथ ही साथ स्वामी जी ने कहा था कि मुझे 100 अच्छे लोग चाहिए, मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। तो बचपन से ऐसी एक आकांक्षा थी कि उस 100 में से एक बनने का प्रयास करें। तो इस कारण स्वामी जी से बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने देशभक्ति की एक परिभाषा दी, जहाँ उन्होंने बताया कि मेरे भी देशभक्ति के 3 आदर्श हैं। उसमें वो पहला आदर्श कहते हैं कि दूसरों की पीड़ा में क्या तुम्हें पीड़ा होती है। दूसरा आदर्श वो कहते हैं कि पीड़ा तुम्हें होती है, ठीक है, क्या उस पीड़ा को हटाने के लिए तुमने कोई उपाय सोचा है। और तीसरा आदर्श वो रखते हैं कि तुम्हें समाज के लिए पीड़ा होती है, तुमने उसे हटाने के लिए एक उपाय सोचा है, पर अगर सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तब भी क्या हो तुम वो काम करते रहोगे। ये मुझे बहुत बचपन से प्रेरणा मिली और इसी कारण मैंने उसके बाद जो डेक्सटेरिटी को लेकर जो यात्रा रही वो सब शुरू किया और समाज के काम में लग गया। बस मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि 16 साल की उम्र में आपने डेक्सटेरिटी ग्लोबल, एक संस्था आपने शुरू किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू अस कि क्या करते हैं आप उसमें? तो मैं जिस समय होम स्कूल्ड हो रहा था, घर में पढ़ रहा था, तो समाचार पत्र रोज पढ़ते थे और उसमें हर वर्ष कम से कम 1-2-3 ऐसी खबरें आती थीं कि कोई बच्चा किसी विश्वविद्यालय गया पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए, किसी ने भारत का प्रतिनिधित्व किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया, या फिर कोई बच्चा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के पक्ष में बोल कर आया। तो ऐसी आकांक्षा होती थी कि मैं भी इन विश्वविद्यालयों में जाऊँ, पूरी स्कॉलरशिप पर पढ़ूँ, इन कॉम्पिटिशन्स में जाऊँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। पर उस समय स्कूल में नाम नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। एक डायरी में मैं लिख लिया करता था कि ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किसने जीती, किस महीने में ये खबर आई है, कौन भाग ले सकता है और कैसे। और ये काम मैं लंबे समय तक करता रहा। जब स्कूल जाना शुरू किया तब तक मेरे पास एक डायरी बन चुकी थी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो मैंने इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में भाग लेना शुरू किया
और लगभग 200 लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीते। लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जब तक मैं हाई स्कूल में था तभी। इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैंने देखना शुरू किया कि जो बाकी बच्चे आते थे जो भारत को रिप्रेजेंट करते थे वो मेरे जैसे बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो भारत के छोटे गांवों से, छोटे जिलों से या सामान्य परिवार से आने वाले बच्चे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के साथ जो 2-3 प्राइम स्कूल हैं भारत के वहाँ से आते थे। और यूनाइटेड नेशंस के इन प्लेटफॉर्म्स में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में बड़े गर्व के साथ हमें कहते थे कि तुम दुनिया के लीडर्स हो, आप लोग जाकर अपनी कंट्रीज़ को लीड करेंगे, दुनिया के लीडर्स होंगे। तो ये चिंता होती थी कि हम शुद्ध पेयजल की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, पॉवर्टी, लिटरेसी, ऐसे इश्यूज़ पे यंग लोग बोल रहे हैं। जैसे शुद्ध पेयजल की बात करते हैं तो राजस्थान में रहने वाली, किसी गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची जिसने अपनी माताजी को 2 किलोमीटर दूर जाते देखा हो पानी लाने के लिए, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होकर अपने विचार रखेगी तो उसके सोल्यूशंस क्रिएटिव होंगे, उसकी लिव्ड एक्सपीरियंस पावरफुल होगी और इंस्पायरिंग होगी। परंतु मन में ये सवाल आता था, ये बच्चे क्यों नहीं हैं ऐसे मंचों पर? कुछ चुनिंदा स्कूल्स के बच्चे जो कि जिनके पास एक्सपोजर है वही होते थे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। तो दो चीज़ें मन में आई, एक कि जानकारी के अभाव में प्रतिभावान और परिश्रमी होने के बावजूद हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह थी कि हम बच्चों को जानकारी से तो जोड़ दें, उन्हें उस हिसाब से हमें प्रशिक्षित भी करना होगा ताकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर सके। तो इसी कारण 2008 में हमने डेक्सटेरिटी की शुरुआत की। हमारा मानना था कि भारत को नेतृत्व की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जो हर एक क्षेत्र में, पत्रकारिता से लेकर, चिकित्सा से लेकर, किसी भी क्षेत्र में नए नेतृत्व के साथ वो आ पाए। और इसके लिए हमें उन्हें सारे जो भी शैक्षणिक अवसर उनके लिए हैं एक महीने में, हम सारे उन अवसरों से उन्हें जोड़ें, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, वर्कशॉप्स हो, कुछ भी हो। और दूसरी तरफ हम इन बच्चों को चुनकर ट्रेन करें ताकि वो लोकल रोल मॉडल्स की तरह समाज में बढ़ पाएं। राष्ट्रपति कलाम, कल्पना चावला बहुत बड़े उदाहरण हैं, पर आज सरकारी स्कूलों में छोटे जगहों पर रह रहे बच्चों के लिए ये 1 अरब में एक उदाहरण हो जाते हैं। हमें चाहिए गांव का पहला बच्चा जो फुल स्कॉलरशिप पर कहीं पढ़ने गया हो, गांव की पहली बच्ची जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया हो किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो इस कारण डेक्सटेरिटी ग्लोबल ने 2008 में बच्चों को एक तरफ शैक्षणिक अवसरों से जोड़ना शुरू किया, दूसरी तरफ देश से बच्चों को चुनकर उन्हें फुल स्कॉलरशिप्स पर अच्छे जगहों पर पढ़ाकर, लीडरशिप डेवलपमेंट कर, करियर डेवलपमेंट कर समाज में एज रोल मॉडल्स एंड नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स तैयार करने का काम शुरू किया। ये पिछले 14 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या अचीवमेंट है ये! हमारे भारत देश के गाँव में, कस्बों में 70 लाख युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ गए हैं, मतलब आपने उनको इंस्पायर किया है। तो आप पर्सनली जाके ऐसे लोगों को ढूंढते हैं या वो खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाते हैं? मतलब एजेंडा क्या है, आप कम्युनिकेट और ऐसे लोगों को आप ट्रेस कैसे कर पाते हो? संगठन मूलतः 2 काम करती है। एक, हर महीने के पहले रविवार को जितने भी शैक्षणिक अवसर बच्चों के लिए हैं वो उनके मोबाइल में, फ़ोन में या स्कूल में सीधा पहुँच जाते हैं। हर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के साथ 2 प्रिपरेशन मटेरियल भी जाता है और ये सब फ्री होता है। अच्छा। तो अगर ऐसे राइटिंग का कंपटीशन है तो हाउ टू स्ट्रक्चर एन आर्ग्यूमेंट, हाउ टू राइट एन ऐसे, वो बेसिक चीज़ें जिससे बच्चे निबंध लिखना, अच्छा लिखना, ये सीख पाएं और फिर वो उन चीज़ों में भाग लें। तो ये एक साइड पर होता है जिसमें लगभग 70 लाख बच्चों तक ये अपॉर्चुनिटीज पहुँचती है। जी। दूसरी तरफ हम करियर डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और यंग प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट के लिए देश भर से बच्चों को कम उम्र से चुनते हैं और उनको उसके बाद फिर हम ट्रेन करते हैं। आज ये बच्चे 114 करोड़ से ज़्यादा की छात्रवृत्ति पर दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर विचार बहुत स्पष्ट है, भारत में जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई, महात्मा गांधी, अंबेडकर, ऐसे लोगों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं पर ये नहीं बताते वो जब उनकी उम्र के थे तो क्या कर रहे थे। महात्मा गांधी जब वो 18-19-20 साल के थे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में वो पढ़ाई कर रहे थे जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में तब भी था, अब भी है। बी.आर. अंबेडकर कोलंबिया जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़कर वापस आए, सरदार पटेल मिडिल टेंपल कॉलेज गए। उनके एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे और उनका जो इम्पैक्ट था उसमें, उन्होंने अपने एजुकेशनल जर्नी को भारत के नेशनल लाइफ से जोड़ा। ठीक उसी तरह स्वाधीनता के पश्चात विक्रम साराभाई कैम्ब्रिज से पढ़कर आए, भारत का स्पेस प्रोग्राम उन्होंने बिल्ड किया। वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन बिल्ड किया मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आकर। एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्ड किया। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि भारत को एक नए जनरेशन ऑफ सर्वेंट लीडर्स की आवश्यकता है जो अलग अलग फील्ड में जाकर अपने एजुकेशन को यूज़ कर पाएं। इस कारण इन बच्चों को, और साधारण परिवार से आने वाले बच्चे हैं, तमिलनाडु के एक छोटे किसान परिवार की बच्ची जिसने तिरुपुर से बाहर कभी ट्रेन नहीं लिया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 3 करोड़ की स्कॉलरशिप पर अभी पढ़ रही है। बिहार में एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका बेटा अभी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पर पेंसिल्वेनिया में पढ़ रहा है।
घर में काम करने वाली माताओं और बहनों के बच्चे फुल स्कॉलरशिप्स पर जाकर अच्छे अच्छे जगहों पर पढ़ रहे हैं, ये पूरा ये विचार है कि भारत की एक नई पीढ़ी हम तैयार कर पाए जो कि शिक्षा से सक्षमता प्राप्त करे और सक्षमता से सेवा कर सके किसी भी क्षेत्र में, वो विज्ञान हो, पत्रकारिता हो, किसी भी क्षेत्र में वो जाए और भारत को आगे लेकर बढ़ पाए। तो यही काम हम डेक्सटेरिटी में करते हैं। आई थिंक दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ना। बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे आप काम करेंगे और बच्चे जुड़ते जाएंगे एंड वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनली या फिर भारत देश एक इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट में वी विल प्लेस आवरसेल्फ, और उसकी शुरुआत तो हो ही गई है। बिल्कुल, हमारा यही विचार है। ग्लोबल एकेडेमिया जो है उसमें वेस्टर्न लेंस से भारत को लंबे समय तक देखा गया है। जी। उसका कारण है कि हमारे उतने सारे स्कॉलर्स, हमारे उतने सारे स्टूडेंट्स जो इंडियन पर्सपेक्टिव रख पाए उतने ज़्यादा नहीं थे। उसके साथ ही साथ दुनिया में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी हम कहते हैं डेक्सटेरिटी में कि अगले 25 से 35 साल में भारत का जो शीर्ष नेतृत्व होगा और दुनिया की भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज होंगी उसकी लीडरशिप में ये छोटे बच्चे बैठे होंगे जो कि बहुत कम उम्र से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से जुड़े, जिनको एज सर्वेंट लीडर्स, लोकल रोल मॉडल्स, नेशन बिल्डर्स ट्रेन किया गया, दुनिया की बेस्ट जगहों पर पढ़े और उन्होंने अपने एजुकेशनल जर्नी को भारत की नेशनल जर्नी से जोड़ दिया। तो यही विचार है डेक्सटेरिटी का। ये वर्ड डेक्सटेरिटी एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है? डेक्सटेरिटी का मतलब होता है दक्षता। अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि नाम आया कहाँ से, आया कहाँ से, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। मैं बचपन में जब होम स्कूल हो रहा था तो एक किताब आती थी वर्ड पावर मेड इजी करके, नॉर्मन लुविस की। मैं बहुत छोटा था, लाल रंग की किताब थी, मोटी थी, बिल्कुल। उसको मैंने पलटा तो उसमें वर्ड का रूट पढ़ाते थे। हाँ। तो पहले ही दूसरे पेज पर एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड था, उसको उन्होंने ब्रेक किया था एम्बी और डेक्स्टर करके, और डेक्स्टर का मतलब उसमें लिखा था कोई भी व्यक्ति जो स्किलफुल हो या इंटेलिजेंट हो या जीनियस हो। तो पहले मैं डेक्स्टर बनना चाहता था, फिर बनाना जब चाहा तो उसका नाम हो गया डेक्सटेरिटी ग्लोबल, की भारत की दक्षता विश्व स्तर पर जाकर भारत को पुनः विश्व गुरु की हम बात करते हैं, ग्लोबल लीडरशिप की बात करते हैं, उस पर एस्टैब्लिश कर पाए। तो डेक्सटेरिटी वर्ड वहीं से आता है। मतलब इंस्पिरेशन होम स्कूलिंग से शुरू हुई, पहले खुद आप बनना चाहते थे, फिर आप भारतवासियों को बनाना चाहते थे, विच इज़ सो ब्रिलियंट। वैसे आपकी लाइफ बहुत ही मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा, आप ऑपरेट करते हो पटना से, बट जाहिर सी बात है कि आप लोगों से मिलने जाते होंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ होगा, शेड्यूल्ड टाइमिंग्स नहीं है, तो आप क्या गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं? बिकॉज व्हेन आई लुक एट यू, यू आर लुकिंग सो फिट एंड फाइन। मैं दो तीन बातों में विश्वास रखता हूँ। एक तो स्ट्रेस नहीं लेता, मुझे लगता है छोटी आदतें होनी चाहिए कुछ जी, जो कि बचपन से थी, जैसे अपॉर्चुनिटीज लिखने की, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम उन्हें कर पाए। अनुशासन थोड़ा कड़ा होना चाहिए और उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, तो जो पर्पस है वो ड्राइव करता है। तो इस कारण डेक्सटेरिटी का जो ओवरऑल पर्पस है वो इतना बड़ा है कि ये नहीं लगता कि दूसरे का काम कर रहे हैं, लगता है अपना काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। कुछ छोटी आदतों को बरकरार रखते हैं जिसमें से जैसे एक है कि ये ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहनना, रोज यही आउटफिट होता है। अच्छा। तो बहुत सोचना नहीं होता कि कौन से कपड़े पहने हैं, मतलब आप कपड़े उनका कलर नहीं चेंज करते, यही होता है हमेशा। उसके अलावा बेसिक चीजें हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं हो, और स्वामी जी का एक विचार था कि सेवा और त्याग भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं, सर्विस एंड रेनन्सिएशन आर नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया। तो एक था कि क्या छोटा त्याग कर सकते हैं, तो था रंग बिरंगे कपड़ों पहनने का जो शौक है उसे त्याग सकते हैं। वाह। तो वैसी कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, जो मिल गया वो खा लिया, साधारण कपड़े पहन लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया किसी चीज का। ये मैं जरूर पॉइंट आउट मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपने कहा आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, बिकॉज आज जब हम देखते हैं हर कोई यही कहता है आई एम टू स्ट्रेस्ड आउट, तो आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं? मुझे बहुत क्लैरिटी होती है कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप काम को दूसरे का काम समझकर करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, पर जब लगता है अपना काम है, समाज का काम है, राष्ट्र का काम है, ईश्वर का काम है, तो उसको तो करते रहना है, प्रेम से करना है, और बच्चों के साथ इतना काम करने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है इस कारण भी बहुत खुशी रहती है। तो इस कारण वो लार्जर जब पर्पस देख पाते हैं कि ये अगर हम अच्छे से करेंगे तो 50 साल बाद, 100 साल बाद हमने भारत को क्या दिया होगा, तो उससे बहुत एनर्जी आती है और उससे बहुत डेडिकेटेड होकर वो काम करते रह पाते हैं। तो एक यूजलेस थॉट्स तो आपके दिमाग में आता ही नहीं होगा। दो चीज़ें मैंने आज आपसे सीखी आपसे बात करते करते, एक जो आप लिखते थे अपॉर्चुनिटीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस एट योर डोर, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं, बट बचपन से ये जो आपके एक हैबिट रहा है कि आप लिखते थे कि आपको क्या हासिल करना है और दुनिया और विश्व में क्या चल रहा है, दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी अडॉप्टिंग, बहुत अच्छा लगा ये। एंड देन आपने कहा कि स्ट्रेस तब होता है जब आप अपने लिए जीते हो, जब आप दूसरों के कार्य को अपना कार्य समझते हो तो स्ट्रेस की बात ही नहीं होती।
आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज जो आज आपने ना सिर्फ युवा पीढ़ियों को दे रहे हैं बल्कि हम सभी लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, ये शो बेहद खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपना एक अलग रास्ता तय करना चाहते हैं. श्री शरद विवेक सागर जी आई थिंक एक लिविंग और आइडियल एग्जाम्पल है ऐसे लोगों के लिए. शिक्षा से इन्हें सक्षमता मिली और सक्षमता से ये सेवा करने लगे और सेवा करते करते इन्हें खुशियाँ प्राप्त हुई. लॉन्जिविटी का सही अर्थ इनकी जिंदगी में ही मिलता है. तो दोस्तों, आई एंजॉयड दिस एपिसोड एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट टू. धन्यवाद. फिर मिलेंगे. फॉलो योर पैशन, मतलब जो पैशन आपके अंदर है उसे पहले ढूंढिए और फिर उसे फॉलो कीजिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को राइटिंग का पैशन है, किसी को सिंगिंग का पैशन है, तो किसी और को कुकिंग का पैशन होगा. और अगर मैं अपनी बात कहूँ ऑन अ पर्सनल नोट, तो मेरा पैशन तब, आज और हमेशा रहेगा डांस. तो मैंने अपने इस पैशन को कभी नहीं छोड़ा. इनफैक्ट एक पर्सनल ट्रेजेडी होने के बावजूद भी जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप कभी डांस नहीं कर सकती, तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि सुधा, ये तुम्हारा पैशन है, इसे कभी मत खोना. और फिर मैं जुट गई. आई स्टार्टेड डांसिंग. हालांकि इनिशियली बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि जब आप अपने पैशन को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता है वो सफ़र. लेकिन लगातार कोशिश कीजिए और फिर आपका वो पैशन सिर्फ और सिर्फ आप ही का रहेगा. SUD Life, backed by proud legacy of over 100 years, with Bank of India, Union Bank of India, and Daiichi Life Japan.